बाप और बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। खुदावन यीशु मसीह के अजीम और पवित्र नाम में जो सुलह सलामती अमन का शहजादा और मनजी आलमीन है, आपको सलाम अर्ज करता हूँ। आज मुझे इस अनवान पर बात करनी है कि जब पाकिस्तान में पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ को जमहूरियत से आउट कर दिया गया और इन्हें इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन में डाल दिया गया, तो उस वक्त हमारे कायद जनाब जैसालिक, जो कि माइनॉरिटी अलायंस, वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस के सरबराह हैं और ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान अवामी मसीहा पार्टी और सबका वफाकी वजीर ब्राय बबूदे आबादी, उन्होंने इस बात पर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की कि हमारे साथ ये जुल्म और ज्यादती है कि हमें जमहूरियत से आउट कर दिया गया है, हमें इलेक्शन से निकाल कर सिलेक्शन में डाल दिया गया है। तो जनाब जैसालिक ने खुदा के फजल से और आप लोगों की दुआओं से 13 साल कानूनी चाराजोई करके 5 अगस्त 2015 को अकलीतों के हकूक की जंग जीती, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने ये फैसला दिया कि अकलीतों को इलेक्शन से निकाल कर सिलेक्शन से निकाल कर इलेक्शन में लाया जाए, ताकि अकलीतें अपने हकीकी नुमाइंदों को असेंबली में भेज सकें और इससे जमहूरियत को फ़रोग मिले। और पाकिस्तान के अंदर जब इस बात को डिस्कस किया जा रहा है, तो इस पर हमारे कुछ दोस्त हमसे ये मुतालबा करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की टेस्टेड कॉपी दें, दिखाएं। तो इसके लिए मैं ऐसे दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट की फेसबुक जो है उसको क्लिक करें और उस पर यह फैसला 5 अगस्त 2015 का महफूज है, उसमें से आप ये देख सकते हैं कि फुल बेंच ने ये डिसीजन, ये फैसला दिया है कि अकलियतों को सिलेक्शन से निकालकर इलेक्शन में लाया जाए। थैंक यू।